हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। तो आज हमारे घर में है फंक्शन शादी का, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और तैयार भी मैं उसी चीज़ के लिए हुई हूँ। तो अभी मैं सीधे उसके बाद वहाँ पे जाऊँगी। तो पहले अभी हमारे घर पे थोड़ा सा मेहमान आए हुए हैं, तो मैं उनके लिए चाय रेडी कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और इसके बाद जाऊँगी वहाँ पे। तो आज है महिला संगीत का फंक्शन, तो आप लोगों को दिखाते हैं हमारे पहाड़ी पहाड़ में मतलब होता कैसे, और हमारे यहाँ पे रीति रिवाज एंड कि हमारे यहाँ पे शादी में क्या क्या काम कैसे करवाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नई एंड देखने के लिए मिलेंगी, तो देखते चाहिए। और चलिए अभी चलते हैं हम लोग सीधे। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे शादी हो रही है। तो ये हमारा सबसे क्यूट वन जो सबसे अच्छा लगता है, आप लोगों ने पहले भी इसको वीडियो में देखा होगा काफ़ी बारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, तो अभी यहाँ पे हो रहा है, दूल्हे को भी नहलाया जा रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग दूल्हे को नहला रहे हैं। तो मतलब ये तो फर्स्ट मेरी सास लोग हैं, अभी हम लोग इसके बाद तो गाइस ये देखिए, अभी यहाँ पे सभी लोग एक एक करके नहरा रहे हैं। अभी हमारी बारी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी जिठानी जी हैं, मतलब मेरी दीदी हुई वो, और ये हमारा क्यूट सा वंशुन का बेटा है, इन्हीं का बेटा है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे, मैं और हम दोनों हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे नहराते हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारी रस्में हैं जो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को अभी तक का कैसा लग रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं इसको पूरा। तो ये देखिए गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं खाना बन रहा है अंदर किचन में। तो अभी यहाँ पे सभी लोगों का टी ब्रेक चल रहा है, आप लोग जैसे देख सकते हो। सभी लोग चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है, यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं, और यहाँ पे जहाँ पे चूल्हे के वहाँ पे बैठ के मेरा दिखे चेहरा कैसा हो गया, पसीना पसीना जैसा हो रहा। और आजकल तो खैर जाड़ों के दिनों सब भी ज़्यादा ठंडा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए चूल्हे के वहीं पर बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग देखिए सभी लोग अभी चाय पी रहे हैं, मैं तो खैर चाय पीती नहीं हूँ, पसंद नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के वहाँ पे भी ऐसा ही होता है क्या करके। तो काफ़ी लोग जो हमारे यहाँ के पहाड़ में है मतलब रहते हैं, उनके वहाँ पे तो सभी के यहाँ पे ऐसे ही होता है। ये देखिए सभी लोग खाना वाना बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ हमारे साथ हम लोग यहाँ पे पूरियाँ बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही, और आप लोगों को आगे को दिखाती हूँ फिर इसके बाद क्या हुआ। तो देखा होगा गाइस आप लोगों ने कितना मस्त व्यू आ रहा पहाड़ों का, और पहाड़ अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है जैसे आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो है सुवार पथाई वाली जो रस्म होती है ये हो रही है। तो यहाँ पे सब पूरे परिवार वाले होते हैं, और सभी लोग, मेरी सास हैं, मेरी जिठानी लोग हैं, तो अभी हम सभी लोग यहाँ पे हैं। पूरियाँ बना रहे हैं, मतलब रोटियाँ, फसमस की रोटी बनाई जाती है, फिर इसको थोड़ी देर धूप में रखा जाता है, और उसके बाद इसकी पूरियाँ बनती हैं, और यही मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। तो ये उसी के लिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है ऐसा बोलते हैं। ये मतलब ये वाली रस्म भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अब देखिए कितना अच्छा है, मतलब इतनी अच्छी धूप आ रही है ना छत पे, और पहाड़ों को देखा पीछे को कितना अच्छा व्यू आ रहा है अपने आप में। एक मतलब इसमें कुछ दिखावा ही नहीं है, मतलब बहुत, अब देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसके बाद होगी जो भी सारी छोटी छोटी रस्में जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं आपको सारी दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसके बाद, तो अभी जो ये हमने रोटियां जैसे बनाई हुई हैं, अभी इसमें तिलक लगाया जाता है क्योंकि हम मंदिर में चढ़ते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फिर शायद 5 में ही, या फिर 5 से ज़्यादा, 5 या 7 में ऐसे तिलक लगाया जाता है। तो आप लोग ये देखिए,
मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, मतलब इस शादी की जो वीडियो है ना महिला संगीत की, तो मैंने वीडियो अपलोड पहले ही कर दी है। तो अभी ये बाद में आ रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सभी लोग हैं मेरे साथ, और ये देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ धो ही रहे हैं। और यही सबसे टफ काम नहीं बोल सकते इसको, मतलब ठीक है सबके साथ काम करो तो अच्छा ही लगता है, तो ऐसा कोई ज़्यादा टफ वाला काम भी नहीं है, अच्छा लगता है सबके साथ काम करो, कुछ भी काम करो, छोटा हो बड़ा हो। और वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब सबके साथ, मतलब अच्छा ही। मेरा तो फर्स्ट उन्होंने मैंने हमने सारे बर्तन धो दिए, बस सभी का हाथ पाथ धोना ही बाकी रहा है। तो मैंने अपना फ़ोन पकड़ रखा है, तो अब देख सकते हैं सभी लोग अपने हाथ धो रहे हैं, मेरा तो हो गया था। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो वो लोग मेरे पीछे से हंस रहे, मेरी मजाक बना रही है, ये वीडियो बना रही है करके। आप लोग ये देखिए, वो बाय बाय बोल रहे हैं, मेरी जिठानी जी। तो ये महिला काफ़ी फ्रेंड्स, अभी मैं अपने रूम पे आ गई हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। ये देख सकते हो वहाँ पे हो रही है शादी, हम लोग को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो ये देखिए गाइस, अभी लास्ट कर रात को मैं कपड़ों पे चेंज करने के बाद आ गई हूँ। तो मैं अभी मेहंदी लगा रही हूँ, वैसे इतनी अच्छी मेहंदी लगाई नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत जैसी भी होती है वैसे मैं लगा रही हूँ अपनी दीदी के हाथ में। तो आप लोग ये देखिए कैसी लग रही है, छोटी सी लगाई हुई है अभी। तो अभी इसके बाद अभी खाना नहीं खाया, इसके बाद खाना खाने के लिए जाएंगे हम लोग। तो ये देखिए